हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे नारियल पाक, जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक, जो हमारे ठाकुर जी को विशेष पसंद है। तो आप ये रेसिपी जन्माष्टमी पर ज़रूर ट्राई करें और अपने ठाकुर जी का आशीर्वाद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नारियल पाक बनाना। नारियल पाक बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम सूखा हुआ नारियल लिया है, जिसे गोला भी कहते हैं, सूखा हुआ। अब हम एक ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है और ये बारीक तरफ से हमें इसे ग्रेट करना है, मोटी तरफ से हमें इसे ग्रेट नहीं करना है। आप चाहें तो इस टाइम पे इसके छोटे छोटे पीसीस करके मिक्सी में इसे पीस भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे इतना टेस्ट नहीं आता इसका जितना ग्रेट करने से। पारंपरिक तरीके से हमारा नारियल पाक बनके तैयार होगा। दोस्तों आप चाहें तो इस टाइम पे इसका छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना छिलके के ही बना के तैयार करूँगी, क्योंकि छिलका निकालने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम इसे ऐसा ही बनाएंगे। ये हमने सभी नारियल को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक कप ले लूँगी, मेजरिंग कप लिया है मैंने। आपके पास अगर ये कप नहीं है तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं घर का ही, तो उसमें मैं ये मेज़र कर लूँगी। मेज़रमेंट का हमें बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो एक कप, दो कप, मेरा ये सारा नारियल ढाई कप के करीब है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चीनी डालनी है। यहाँ पे एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी हमें चाशनी में डालनी है। तो ये मेरा ढाई कप नारियल का बुरादा तैयार हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और गैस का फ्लेम हमने धीरे किया हुआ है। अब हम सूखा हुआ नारियल इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही पका लेंगे। हमें इसे बहुत देर तक नहीं भूनना है, ना ही इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ हल्की सी खुशबू आने लगे उस टाइम तक हमें इसे भून के तैयार करना है। ये नारियल हमारा भुन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। यहाँ पर नारियल पाक बनाने के लिए हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी, और चीनी का आधा हमें पानी डालना है, तो आधा कप मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। यहाँ पे हमें 2 तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। अब चीनी को घुलने तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं चलाते हुए। तो यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है। जब तक हमारी चाशनी पकती है, तो यहाँ पे हम अपनी प्लेट को ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और उसे ग्रीस कर लिया है घी से अच्छी तरह, ताकि हमारी जो नारियल पाक है आसानी से निकल सके। 4-5 मिनट हो चुके हैं चाशनी को बनते हुए, तो अब हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो इस तरह अंगूठे और उंगली के बीच में मैंने ये चाशनी को लिया है और ये देख सकते हैं आप, इसमें बड़ा तार बनने लगा है। तो हमारी चाशनी बनके तैयार है। इसी तरह हमें तार चाहिए बड़ा। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नारियल पाक के अंदर। और अब धीरे धीरे करके मैं ये अपना भुना हुआ नारियल इसमें डाल दूँगी, जो हमने भून के तैयार किया था। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चाशनी अभी हमारी थोड़ी गीली है, तो इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे अच्छी तरह मिक्स करते हुए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच देसी घी और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हमारे नारियल पाक जो बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तैयार मिश्रण को अब हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो हम इसे प्लेट पे निकाल देंगे और अच्छी तरह की से सेट कर लेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि चीनी जमने लगती है। तो अच्छी तरीके से हम नारियल पाक को सेट कर देंगे। तो नारियल पाक को हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो इस स्टेज पे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, जिनको मैं इस पर अच्छी तरीके से गार्निश कर दूँगी और 1 चम्मच की हेल्प से इन्हें हल्का हल्का दबा दूंगी, जिससे काटते वक्त निकले ना। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए सेट करके करने के लिए छोड़ दूंगी।
उसके बाद मैं इसमें कट के निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हमारा नारियल पाक सेट हो जाएगा तो उस टाइम इसे कट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं, हम अपने नारियल पाक में निशान लगाते हैं कट के, क्योंकि सूखने के बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी इसमें निशान लगा दूंगी। जिस तरह के पीसीज आपको छोटे बड़े चाहिए तो आप कट कर सकते हैं। कट के निशान हमने लगा लिए हैं। अब बर्फ़ी जब मेरी सेट हो जाएगी तो मैं आपको इसके पीसीज निकाल के दिखा दूंगी। ये बर्फ़ी हमारी अच्छी तरह सेट हो गई है, तो अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा नारियल पाक बनके तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा हमारा नारियल पाक बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी इस जन्माष्टमी ज़रूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी व्रत में या फिर जब आपका कभी मीठा खाने का मन करे तो आप बना के खा सकते हैं और अपने ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की रेसिपी के साथ।